मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी पार्टी दिल्ली में 22 साल तक सत्ता से दूर रही है और बीजेपी लोकसभा चुनावों में भारी जीत के बाद काफ़ी उत्साहित है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार बीजेपी के, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधायक राकेश गुलैया जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्षेत्र में आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। पहले तो आपके चैनल्स के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार और नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स के अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो सबसे पहले हमने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स की उपलब्धियां, हमने फुटबॉल का टूर्नामेंट, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट, नेशनल लेवल का क्रिकेट के टूर्नामेंट हमने काफ़ी कराए उसमें हमारी। और उसके बाद में फिर जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में आए तो जो हमारी पुरानी संस्कृति है कि हमारा जो नववर्ष है, वर्ष प्रतिपदा जो बोलते हैं, अप्रैल में जो शुरू होता है, उसका हमने कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से हम करते हैं। साथ में हमारे रामलीला जो आज दक्षिण दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक है और दिल्ली के अंदर भी हमारे शायद बेस्ट एंड के अंदर ही रामलीला होगी, तो हम रामलीला भी करते हैं। साथ साथ हमने हेल्थ कैंप के लिए, कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए हेल्थ कैंप भी, ब्लड कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं लॉयंस क्लब का मेम्बर भी था तो ब्लड कैंप भी हमने बहुत लगाए। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करेगी? ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में एक तो जब से हमारी सरकार आई है, जो एक पुरानी पद्धति के बच्चों को 10th क्लास में 12th में जो ग्रेडिंग सिस्टम था उससे हमारे बच्चे बहुत डिप्रेस हो रहे थे कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो अब हमारी सरकार ने, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, तो वो सिस्टम जो पुराना हमारा बोर्ड का था वही हम लेके आए। स्किल डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट का तो अलग से मोदी ने मंत्रालय बना दिया, तो हमारे देश में सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, उसके अंदर बहुत उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ा काम हमारी मोदी सरकार ने किया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में बिजली हाफ पानी माफ की जो मुहिम चलाई है, आगामी विधानसभा चुनावों में जीत के बाद आप ऐसे कौन से मुद्दे लेकर आएंगे, क्या आपके व्यक्तिगत तौर पे मुद्दे होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, एक आंदोलन था, उसमें सभी लोग इकट्ठे हुए थे। इन्होंने अन्ना जी को छला सबसे पहले कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे, झूठ बोला। फिर कहा कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, हम राजनीति में नहीं आएंगे। तो केजरीवाल साहब के बारे में तो बात करना बहुत मुश्किल है। पानी हमारे को 24 घंटे नहीं मिलता, तो हमारी जो व्यवस्थाएं होंगी, सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है। अभी दिल्ली के अंदर हमारे, चाहे रूरल बेल्ट हो, चाहे हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज हों, चाहे हमारे जो झुग्गी क्लस्टर्स है जहाँ गरीब लोग हमारे भाई रहते हैं, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे दिल्ली के इतने गाँव हैं वहाँ पर पानी और सीवर दोनों मिक्स होके आता है। तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, बड़े बड़े घोषणाएँ की थी कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, इन्होंने सिर्फ वायदों के अलावा कोई काम नहीं किया। दिल्ली की जनता ने उनको पहचान लिया है कि वो सिर्फ झूठ और झूठ के ऊपर बोलते हैं। हम जो हमारी उपलब्धियाँ होंगी, जैसे मोदी जी ने कहा कि पूरी दिल्ली, अभी उन्होंने कहा कि अभी हम स्वच्छ भारत ले रहे हैं, अब 2 अक्टूबर से गांधी जी के ऊपर की जो सिंगल प्लास्टिक है उसको हम दूर करेंगे। दिल्ली के अंदर जो योजनाएं हैं, जो हमारी पार्टी की योजनाएं हैं, वो तो जब घोषणा पत्र आएगा, लेकिन ये जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, जो हमें सुविधाएं चाहिए, हम हर नल के अंदर हमारा पानी आना चाहिए, शुद्ध पानी आना चाहिए। अब आप देखिए आर ओ वाटर, हम सब घरों के अंदर दिल्ली के अंदर आर ओ लगे हुए हैं, उससे कितने परसेंट पानी वेस्ट होता है। अगर ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो साफ शुद्ध पानी जनता को उपलब्ध करें, उसमें हमारी बिजली भी खर्च होती है, उसके अंदर हमारा सारा जो पानी की वेस्टेज है वो भी होती है, तो उन्होंने ऐसा कोई फ्री नहीं किया। हमारा 70-80% पानी तो वेस्ट हो जाता है, तो अगर सरकार शुद्ध पानी सप्लाई करेगी तो हमारी बिजली भी बचेगी। अब हमारे ऐसा कोई घर नहीं होगा दिल्ली में जहाँ पर बगैर मोटर के पानी आता होगा, तो मोटर की हमारी आर ओ की बिजली एक तरफ से हमारी इस पॉकेट, हम बगैर मोटर के पानी आए, शुद्ध पानी आए, ये हमारा होगा। जो बिजली के बारे में उनको रेट कम करना चाहिए, और वो घोषणाएं करते हैं, क्या उन्होंने कम किया? कि मैं हाफ किया ऐसे सुनने में, नहीं, कोई हाफ नहीं किया उन्होंने। देखिए, हमारे दिल्ली के अंदर जो उपलब्धता होती है, मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, वो मैक्सिमम 7,500 मेगावाट तक अभी तक गई है जब पीक आवर्स होता है। उन्होंने पिछले साल हमार को पर मेगावाट के हिसाब से, किलो वाट के हिसाब से रेट्स बढ़ा दिए, और उन्होंने करीब 9,000 मेगावाट के पैसे जनता से ले लिए। आप देखिए कितना बड़ा स्कैंडल है ये। हमारी उपलब्धता
कितनी बिजली की है, हमारी जो डिमांड है वो पीक आवर्स में कितनी है, 7,500 मेगावाट तक है, वो 9,000 मेगावाट के तो हमारे से जनता से पैसे ले लिए, तो ये भी एक स्कैंडल। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी बहुत अच्छी कदम उठा रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखेंगे और क्या कहेंगे कि उन्होंने पीछे इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, स्कूल में इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया है, बोलते हैं शिक्षा से लाख लाभ करते हैं कि दिल्ली की शिक्षा बहुत अच्छी हुई है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी बहुत एक विषय जो है जानकारी हम सबको होनी चाहिए और शोध का विषय कि हमारे यहाँ उन्होंने जब आए थे कि मैं 500 स्कूल बनाऊंगा 5 साल के अंदर, उन्होंने शायद एक स्कूल भी नया नहीं बनाया। उन्होंने कहा था मैं युवाओं के लिए 25 कॉलेज बनाऊंगा, एक भी कॉलेज की शुरुआत तक नहीं की उन्होंने, प्लानिंग तक नहीं की। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, नए स्कूल बनाने चाहिए, नए टीचर्स लाने चाहिए, बिल्डिंग बनाने से या उसको रेनोवेट करने से शिक्षा का स्तर नहीं गिरता। शिक्षा का स्तर आप हमारा दिल्ली का रिजल्ट बढ़े, रिजल्ट हाँ, हमारा जो पढ़ाई है उसके ऊपर फोकस है ही नहीं। हम परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हम स्कूल के बच्चों के लिए नए टीचर्स लाएं, नए सिलेबस लाएं, उसके अंदर हमारे को करना चाहिए। रिजल्ट हमारा हाँ, रिजल्ट हमारा 10-10% 12-12% घट रहा है। अगर हमारे बच्चे इतने हमारे टीचर्स या सरकार पढ़ाए, टीचरों की कमी नहीं है, टीचर्स की अब बच्चे हैं इतने और टीचर की उपलब्धता नहीं है। एक एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जो गाइडलाइंस है कि 40 बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हमारे जो शिक्षक हैं वो भी पूरा फोकस नहीं कर पाते, तो शिक्षकों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जो हमारे टेम्परेरी टीचर्स हैं उनको भी परमानेंट करना चाहिए। तो ये बहुत विषय हैं और ये इतना कोई जादू की छड़ी नहीं है और वादे कर दें काम हम करें नहीं। अब शिक्षा के अंदर हमारा देखिए, हमारी कितने हमने पूरे देश के अंदर शिक्षा का स्तर कितना उठाया है, उनको भी करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी और मूल समस्या क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर मूल समस्या हम सबके सामूहिक है, यहाँ पर जबरदस्त पॉल्यूशन से हम घर, ऐसा कोई दिल्ली के अंदर घर नहीं होगा जहाँ पॉल्यूशन की वजह से कोई ना कोई बीमारी ना हो। उसके प्रति हमारे केजरीवाल साहब ने एक बार स्टार्टिंग में ऑडिबल लाए थे, अब क्योंकि हमारे चुनाव आ रहे हैं और उनके पास बहुत पैसे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए रखे हैं 550 करोड़, ये बस मेरा फोटो रोज हर पेपर में 2-3 बार छपे, पेज छपे पूरे, तो अपनी प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने किया। अगर यहाँ कोई व्यवस्था करते, अब उन्होंने पोल्यूशन के चक्कर में पूरे 4.5 साल में एक बस नहीं खरीदी, तो क्या उपलब्धता करेंगे? हमारे मेट्रो के जो फोर्थ फेज के थर्ड फेज के जो हमारे काम थे उन्होंने 2-2, 3-3 साल तक लटका के रखा, अब तक वो ऑन ग्राउंड होने चाहिए थे, चालू होने चाहिए। हमारी मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने हमारी पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल, नॉर्थन पेरिफेरल जो रोड बनाई है, करीब 48,000 करोड़ दिल्ली के आसपास खर्च हुए, दिल्ली के लिए खर्च हुए, वो पॉल्यूशन जो कम हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये झूठ बोलना कि जी मैंने पॉल्यूशन कम कर दिया, अब ये अब देखिए कितना करीब 2 महीने से चल रहा है कि आप रविवार को 10 मिनट दीजिए। जो काम है डेंगू रोकने का वो कॉरपोरेशन का है, कॉरपोरेशन के अंदर हमारी भाजपा की सरकार है, हमारे को लगातार दिल्ली की जनता तीसरी बार उन्होंने हमें जिताया है, और जो कोई कमी है तो वो कॉरपोरेशन कर रही है। कॉरपोरेशन ने कोई अच्छा काम किया है तो वो मैंने किया है। तो अगर आप कॉरपोरेशन को बिल्कुल लल्लू पंजू बना दोगे और उसको बजट भी नहीं दोगे, हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी नेता बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनकी वजह से ये डेंगू का दिल्ली में जो प्रकोप होता था आपकी बार नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 22 साल तक वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा, जैसे पहले राजशाही थी, तो राजशाही के साथ साथ जो उसका बच्चा होता था राजा का, वही राजा बनता था। लोकतंत्र के अंदर राजा जो है वो जनता है, जनता अपनी बात रखती है, अपने प्रोग्राम्स रखती है और जनता ही जिताती है लोकतंत्र के अंदर। तो जनता का आशीर्वाद हमें आपके पास निश्चित रूप से मिलेगा। उन्होंने 15 साल का बहुत ही एक काला अध्याय शीला दीक्षित जी का देखा, 5 साल से हमारे केजरीवाल साहब हैं जो सिर्फ झूठी झूठ बोलते हैं, तो आने वाले समय में दिल्ली की जनता का हमें जरूर आशीर्वाद मिलेगा। और मेरी जो 10 साल का, 5 साल मैं पार्षद था हूँ, 5 साल मेरी श्रीमती भी पार्षद रही है, हमने इतने काम अपने इस इलाके में किए, उनकी हमारे यहाँ के विधायक हैं या अभी आम आदमी पार्षद, आम आदमी के पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं। अब आप राउंड लेके देखिए, सारी गलियाँ सड़कें खुदी पड़ी हैं, सीवरेज गले नहीं, कोई भी जो अपनी उपलब्धि वो कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, नहीं की। हमारे उन्होंने काम क्या किया, हमने चौपालें बनाई,
डिस्पेंसरी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, इनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए, बड़ी डिस्पेंसरी बनानी चाहिए, वो ना बना के जो ऑक्यूपाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए है वो चौपाल के अंदर इन्होंने डिस्पेंसरी खोल दी। तो फिर आपके आगामी वो नीतियाँ क्या हैं, आपके आगामी लक्ष्य क्या हैं? देखिए, हमारे लक्ष्य है अपने विधानसभा के लिए कि हमारा मूलभूत सुविधाएं जो है, पानी का, सीवरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, हेल्थ का, तो सब उपलब्धियां करेंगे। जब मैं पार्षद था तो हमारा छोटा सा वार्ड था, लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज थे फंड्स के। दिल्ली गवर्नमेंट के पास बहुत फंड्स है, करीब 54-55 हज़ार करोड़ का फंड्स है। हमने यहाँ दो अपने कम्युनिटी हॉल बनाए, विजय कुमार मल्होत्रा जी जब यहाँ से विधायक थे उनसे हमने चौपालें बनवाई। हमारे पार्क, एक भी ऐसा पार्क नहीं है जो पूरे वार्ड के अंदर हमने डेवलप ना किया हो। सड़कें, गलियाँ, ये तो अनगिनत बनाई, स्ट्रीट लाइट्स, जो भी हमारे पास काम थे हमने 100% किए थे। ब्लॉक वाइज या पॉकेट वाइज या कॉलोनी, हर कॉलोनी की अलग अलग समस्या है, तो बैठ के जो अच्छे से अच्छा होगा। और हमारे मोदी जी का, जैसे आज देश तरक्की कर रहा है तो दिल्ली को भी तरक्की करनी चाहिए, नया भारत बन रहा है तो नई दिल्ली भी बननी चाहिए, उसके अंदर अपना भरपूर सहयोग होगा और अपनी पूरी ताकत हम लगाएंगे जनता की, जो जो सुविधाएं हम ला सकते हैं अपने इलाके में वो लाएंगे। अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि जो हमारे 10 वर्षों के काम है उन कामों को देख कर, जो हमारी उपलब्धता है कि हम 24 घंटे रहते हैं, मैं आपकी सेवा के अंदर हमेशा 24 घंटे, चाहे आज मैं पद पर नहीं हूँ, आज भी मैं आपकी सेवा में हूँ। अगर आपका आशीर्वाद, आने वाले पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं आपके बीच में आऊँगा तो बहुत अच्छे से अच्छा करके, जैसे आज हमारा वार्ड बहुत अच्छा था चला दिल्ली, ऐसे ही पूरी ग्रेट क्लास विधानसभा दिल्ली में एक बहुत ही आदर्श विधानसभा बनेगी, ऐसा मेरा प्रयास है। जी बिल्कुल, एक बार फिर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर बीजेपी सत्ता पर आती है तो दिल्ली का भविष्य जरूर उज्जवल करेगी। पंचायती टाइम्स के लिए कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं भारती शर्मा।